नमस्कार दोस्तों, थ्योरी ऑफ मशीन लेक्चर 7 चैप्टर 1 प्लानर मैकेनिज्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। एक काइनेमेटिक चेन विच कंसिस्ट ऑफ टू टर्निंग पेयर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो टर्निंग पेयर होना चाहिए एंड टू स्लाइडिंग पेयर, इज नोन एज डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने दिखाता हूँ कि ये दो टर्निंग पेयर आपको दिखेंगे। टर्निंग पेयर में आपको दिखा दूँ, ये टर्निंग पेयर है एक और ये टर्निंग पेयर है, बाकी ये दोनों स्लाइडिंग पेयर है। यहाँ पर ये स्लाइड हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए इनके लिंक का नाम दे देता हूँ मैं, ये लिंक वन, ये लिंक टू ले लेते हैं, ये तीसरा स्लाइडर लिंक थ्री ले लेते हैं और किसी सरफेस पे या स्लॉट पे रखा होगा इसको लिंक फोर ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले से बता दूं कि लिंक फोर को अगर मैं फिक्स करूं तो मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिकल ट्रैमल, लिंक वन या लिंक थ्री को अगर मैं फिक्स करता हूं तो स्कॉच योक मैकेनिज्म मिलेगा, लिंक टू को फिक्स करता हूं तो मुझे मिलेगा ओल्डम कपलिंग मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस तरीके से फिक्स करने पर हमें क्या क्या मिलने वाला है, वो हम फिगर के साथ साथ इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एलिप्टिकल ट्रैमल, ये इंस्ट्रूमेंट होता है एलिप्स को ड्राइंग करने के लिए और ये इन्वर्जन आपको मिलेगा स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करने पर। दिस इन्वर्जन इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द स्लॉटेड प्लेट। तो स्लॉटेड प्लेट जो भी थी लिंक फोर, जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें बताया था, आप फिर से देख लीजिए इसको। लिंक फोर को हमने एक फिक्स लिया था, हो सकता है ये स्लॉटेड प्लेट हो, इसी को हमने फिक्स कर लिया। फिक्स करने पर आप ये देखिए कि स्लाइडर जो है, स्लाइडर को हमने लिंक वन दिया है और ये जो कनेक्टिंग बार है इसको लिंक टू दिया है और दूसरा ये स्लाइडर इसको लिंक थ्री दिया है और ये हमारी स्लॉटेड प्लेट है जिसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। थोड़ी इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर से ये ज्योमेट्री मैं निकाल लेता हूं और यहां पर आप देखेंगे एक्स और वाई, ये पी के कोऑर्डिनेट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स हो जाएगा हमारा पी क्यू के बराबर और ये अगर थीटा एंगल है तो पी क्यू हो जाएगा हमारा ए पी कॉस थीटा के बराबर एंड वाई हमारा हो जाएगा पी आर जो हो जाएगा हमारा बी पी साइन थीटा के बराबर। वहीं पर x अपॉन ए पी हो जाएगा cos थीटा, y अपॉन बी पी हो जाएगा sin थीटा, दोनों का स्क्वायर करेंगे और हमारे को इक्वेशन मिल जाएगी ये जो तो आपके सामने है और ये इक्वेशन आपको जो मिलेगी ये एक इलिप्स की मिलेगी इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके सामने इलिप्स की आ गई और hence the path traced by the point P is an ellipse whose semi major axis end is AP and semi minor axis is BP। आगे चलते देखते हैं। If P, ये जो P हमारा है, अगर ये मिड पॉइंट हो ऑफ लिंक BA, then AP और BP ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम होने पर डिस्टेंस पे ये पुरानी क्वेश्चन में हम रखेंगे तो AP एंड BP की जगह हम दोनों जगह हम क्या रख देंगे, AP रख देंगे। तो ये हो जाएगा x square upon AP का square plus y square upon AP का square equal to 1। और दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं x square plus y square equal to AP square। ये equation किसकी दिख रही है आपको, सर्कल की equation दिख रही है। This is the equation of circle whose radius is AP, hence P is the midpoint of the link BA, it will trace a circle। सेकेंड इन्वर्जन लेके चलते हैं हम स्कॉच योक मैकेनिज्म में। जैसा कि मैंने पहले बताया था, लिंक वन को या लिंक थ्री को किसी को भी मैं फिक्स कर दूंगा। यहाँ पर मैंने लिंक वन को फिक्स किया है और यहाँ पर हमारे को मिल गया है स्कॉच योक मैकेनिज्म मिल गया है और ये मैकेनिज्म यूज हम करते हैं कन्वर्टिंग रोटरी मोशन इंटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए। नेक्स्ट इन्वर्जन हम देख लेते हैं जिसको हम बात करेंगे ओल्डम कपलिंग। ओल्डम कपलिंग में आपको याद रखना है ये an Oldham coupling is used for connecting two parallel shaft whose axes are at small distance apart। हम दो parallel shaft को connect करने वाले हैं जिनका axis कुछ small distance apart होगा। The shaft are coupled in such a way that if
one shaft rotate, the other shaft also rotate at the same speed. This inversion is obtained by link 2. जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे, link 2 को fix करने पर हमें मिलेगा Oldham coupling. ये आप figure देख सकते हैं. यहाँ पर हमने fix किया है link 2 को. ये जो link 2 है, यहाँ पर हमने इसको fix कर लिया है. और ये आप पूरा figure देख सकते हैं. ये Oldham coupling है. यहाँ पर जो driving shaft है और ये driven shaft है. इनके axis अगर हम देखें, इसका axis और इसका axis दोनों difference है. थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पर हम ऐसी कंडीशन में हम Oldham coupling यूज करते हैं. Oldham coupling का इन्वर्जन किस तरीके से तैयार किया जाता है ये आपको पता लग गया. और ये इसका सेकंड व्यू है, इसको भी आप देख लीजिए. चलिए चलते हैं एक IES के क्वेश्चन पर. IES 2004 में ये क्वेश्चन आया, द डबल स्लाइडर क्रैंक चेन. जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन इज शोन बिलो इन द डायग्राम. इज इट थ्री पॉसिबल इन्वर्जन, द लिंक शोन एट एच इज फिक्स्ड नहीं. तो आपको बताना है ये कि आंसर कौन सा सही है इसमें से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो जहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने स्लॉटेड लिंक को फिक्स कर दिया है, ये हमें मिलेगा इलिप्ट्रिकल, ट्रेमल, और ये लिंक टू को हमने फिक्स किया है इधर. इसको फिक्स करने पर हमारे को मिलेगा Oldham coupling. ठीक है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. सबसे पहला देख लीजिए ऑप्शन ए इन्वर्जन 1 फिलिप्स ट्रैमल सही है, इन्वर्जन 2 Oldham coupling ये सही है, ये दोनों ही सही है. तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, द करेक्ट आंसर या करेक्ट चॉइस इज ए. थैंक यू, आज के लिए इतना ही. सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.